एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 इसका है, हम इसको हल करते हैं। x अपॉन x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x इक्वल टू 4। अब यहां हमारे पास x ऊपर है, यहां x नीचे है, दोनों सेम है लेकिन इसमें फ्रिक्शन का डिफरेंस है, यानी ये फ्रिक्शन ऊपर है ये नीचे है। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है, लेट y इक्वल x ओवर x माइनस 3। अब हमने ये बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे रेसिप्रोकल, इसका उल्ट लेंगे, दैट इंप्लाइज 1 ओवर y इक्वल 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x अपॉन x माइनस 3। अभी हमारे पास क्या, तीन फ्रिक्शन है, तीन डिवाइड है, ये डिवाइड ये डिवाइड ये, जब तीन डिवाइड हो तीसरा जो डिवाइड है वो हमारे पास पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन जाएगी। चलिए आप देखते हैं कैसे, अब मैं इसको सिंपल करता हूं, y इक्वल x माइनस 3 ओवर x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 ओवर y आ जाएगा, यानी कि इसको सिंपल किया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये y है तो ये क्या है, 1 ओवर y है। हम करेंगे नाउ y, अब इसको हमने पुट करना है, y प्लस 4 इंटू 1 ओवर y इक्वल 4। अब इसका हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया इसका, y y के साथ y स्क्वायर प्लस 4 नीचे y इक्वल टू 4। अब ये y क्या डिवाइड है, तो डेट इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4y। अब इसको तरतीब लगाते हैं, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे, अब इसके फैक्टर बनाते हैं हम, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसमें y कॉमन है, y माइनस 2, इसमें माइनस फिर 2 कॉमन, y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y माइनस 2 अगेन y माइनस 2 इक्वल टू 0। अभी दोनों सेम है ये, हम लिख लेंगे इसको, y माइनस 2 इक्वल 0 एंड y माइनस 2 इक्वल 0, तो y इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या हमारे पास, ये है पुट y इक्वल, अब दोनों सेम है तो हम एक ले लेंगे, पुट y इक्वल x ओवर x माइनस 3। अब हमने ये y यहां पुट करना है, x ओवर x माइनस 3 इक्वल टू 2, डिवाइड है मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स इक्वल 2x माइनस 6। अब ये 2 क्या है, प्लस का, या इसको इधर ले जाएं या इसको जैसे मर्जी कर लें। अब मैं क्या करता हूं, 6 को यहां ले आता हूं, 6 इक्वल 2x माइनस x, तो 6 इक्वल x, तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है अकेला 6 आएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4x प्लस 1 अपॉन 4x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 4x प्लस 1। अब ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है, अब फर्क क्या है, ये प्लस का पहले है, यहां प्लस का बाद नीचे है। अब हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल 4x प्लस 1 4x माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंगे उलट, अगर हम इसको करें तो डेट इंप्लाइज 1 ओवर y करें, तो 1 ओवर y, y नीचे है, ये 1 के नीचे ये आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं, चलें इसको लिखते हैं 1 ओवर 4x प्लस 1 4x माइनस 1, तो ये बन जाएगा डेट इंप्लाइज ये y 1 ओवर y इक्वल 4x माइनस 1 4x प्लस 1।
अब हम पुट करते हैं y की वैल्यू, यानी इसको हम y पुट करेंगे, ये 1 ओवर y हो जाएगा। तो दैट इंप्लाइज ये बन गया y माइनस 1 ओवर y इक्वल, अब इसका हमने फ्रिक्शन तोड़नी है, 6 × 2 = 12 और 1 = 13 6 हो गया। इन दोनों के लिए एलसीएम, y नीचे आ गया, ये बन गया y स्क्वायर माइनस 1, इधर आ गया 13/6। तो डेट इंप्लाइज का मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये इन दोनों से, इसके साथ 6 × y² - 1 इक्वल 13y, 6y² - 6 इक्वल टू 13y, 6y² - 13y - 6 इक्वल टू 0। अभी क्या है, इस 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 36, 9 × 4 = 36, 9 + 4 = 13, 6y² - 9y - 4y and - 6 इक्वल टू 0। इन दोनों को जमा करें 13 बन जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 36 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, चलो यहां देखते हैं, 6 ये इसमें 3y कॉमन, यहां बच गया 2y - 3 हो गया, -2 कॉमन, 2y - 3 हो गया इक्वल टू क्या हो गया 0। अब 3y - 2 एक फैक्टर बन गया, फिर 2y - 3 ये इसका दूसरा फैक्टर हो गया, यानी कि इस पहले को और इसको, ये ना ये अनकॉमन है, ये भी अनकॉमन है, ये दोनों कॉमन है, हमने इसको और इसको साइड पे कर लिया और ये 2y - 3 एक ब्रैकेट में लिख लिया, तो ये बन गया। अब दोनों दो फैक्टर इक्वल 0 है, 3y - 2 इक्वल 0, 2y - 3 इक्वल 0, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3y = 2, 2y = 3। अब हमने क्या करना है, y निकालना है, y = 2/3, y = 3/2। अब y हमने क्या पुट किया था, ये y, पुट y = 4x - 1 + 1, 4x - 1। अब y यहां रिप्लेस कर लें, 4x + 1, 4x - 1 = 2/3। अब दूसरा हमारे पास क्या था, चलिए एक करते हैं, बाद में ये करते हैं, ये इसे मल्टीप्लाई, ये इसे मल्टीप्लाई, 4x + 1 × 3, 2 × 4x - 1, 4 × 3 = 12, x + 3 = 8x, 4 × 2 = -2, 12x - 8x + 2 - 5 = 0, 12 में से 8 गए 4, 4x + 5 = 0, 4x = 5, x = 5/4। अब दूसरा हमारे पास क्या था, एक एक्स ये आ गया, दूसरा हमने ये लेना है, पुट y = 4x + 1, 4x - 1। अब इसमें यहां पुट करते हैं, 4x + 1, 4x - 1 इक्वल, यहां पहले क्या था हमारे पास 2/3 है, अब क्या है 3/2 है, 2 × 4x + 1 इक्वल 3 × 4x - 1, 8x + 2 = 12x - 3। अब वही, अब इसको हम उधर ले जाएं या इसको इधर ले आए, वही सेम चीज बन गई है, एट एक्स है ये 12, अब 8 किधर ले जाओ, 2 ये माइनस का है, इधर आके +3 इक्वल, ये हमारे पास क्या है 12x - 8x।
इक्वल 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया 4x, 5 ओवर 4 इक्वल टू x। तो ये पॉजिटिव का यहाँ, हाँ देखें ये सॉरी, ये प्लस का इधर के माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, अब एक माइनस का एक प्लस का है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, x माइनस ए अपॉन x प्लस ए माइनस x प्लस ए अपॉन x माइनस ए। यहाँ फर्स्ट में हमारे पास क्या माइनस है, यहाँ नीचे है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इसका ये है, लेट, अब इसको हमने ये फर्स्ट को y इक्वल एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। अब हमें क्या करेंगे, अब ये क्या है माइनस में है, ये ऊपर माइनस में है, एंड दैट इंप्लाइज अगर 1 ओवर y फाइंड करें तो 1 ओवर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, ये इसका डिवाइड है, इसका डिवाइड है, यानी कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए, यानी कि 1 ओवर y ये बनता है और y ये है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या करेंगे, ये पुट कर देंगे y माइनस 1 ओवर y इक्वल 7 ओवर 12। इसको हल किया, लेट वाई ये हो गया इसी जगह पे, नाउ अब इन दोनों का लिया एलसीएम, ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई इक्वल 7 ओवर 12। अब वाई इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 12 इसके साथ, 12 इंटू वाई माइनस 1 7 इंटू वाई, तो ये बन गया हमारे पास 12y² - 12 इक्वल 7y - 7y - 12 इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 12y² - 7y - 12y² - 16y - 9y - 12 इक्वल टू 0। अब अगर 16 में से 9 निकाल दें 7 बचता है, 16 में से 9 निकाल दें 7 और 16 9 144। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें ये 4 का 4 कॉमन है, 4y कॉमन, 3y - 4, इनमें क्या है -3 कॉमन, 3y - 4 इक्वल टू 0। अब 4y - 3, 3y - 4 इक्वल टू 0, दो फैक्टर है इक्वल 0 है, 4y - 3 इक्वल 0, 3y - 4 इक्वल 0, y 4y = 3, 3y = 4। अब ये y निकालना है, y = 3/4, y = 4/3। अब y हमारे पास किसके इक्वल था, इसके इक्वल है। अब हमने कहना है पुट y = x - a x + a, तो देन x - a/x + a = 3/4। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, अब ये 2 है, अब यहाँ 3/4 है, फिर हमने इसी को इसके इक्वल करना, ये बन जाएगा 4 into x - a = 3 into x + a, ये बन गया 4x - 4a = 3x + 3a। तो अब इसको क्या करना है, ये x है, ये इधर आ जाएगा 4x - 3x, ये किसका है माइनस का, उधर जाके क्या हो गया प्लस का, 4a + 3a x = 7a। अब दूसरा हमारे पास क्या है,
ये था 4/3 या 3/4 है, एंड x माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल 4/3। ये इसे मल्टीप्लाई, ये इसे मल्टीप्लाई, 3 इंटू एक्स माइनस ए 4 इंटू एक्स प्लस ए 3x माइनस 3a इक्वल 4x प्लस 4a। अब ये 4x है, ये 3x है, 3x माइनस 4x ये इधर का नेगेटिव हो गया, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 4a प्लस 3a माइनस x इक्वल 7a, तो x इक्वल माइनस 7a, तो वेरिएबल पॉजिटिव होता है, हम उधर ले गए हैं। अब क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है प्लस माइनस 7a। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी हमारे पास क्रम में है 1 2 3 4 5 है, और सबसे बड़ी पावर क्या है 4 है, ये हमारे पास एक बन रही है पॉलिनोमियल। अब हमने क्या करना है, इसको पावर 2 बनाना है, बड़ी वैल्यू को पावर 2 बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, डिवाइड, इसको हम क्या बनाएंगे, 2 बनाएंगे। हम क्या करेंगे, डिवाइड x2, डिवाइड x2 बोथ साइड, x4 ओवर x2 माइनस 2x3 ओवर x2 माइनस 2x2 ओवर x2 प्लस 2x ओवर x2 प्लस 1 ओवर x2। यानी हमने पांचों टर्मों के ऊपर x2 को डिवाइड कर दिया है। अब पावर कट कर लें, ये हाँ, ये क्या बच जाएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये बच जाएगा, डेट इंप्लाइज x2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, x स्क्वायर वाले सेट पे कर लेते हैं, हम इसको तरतीब लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, अभी 2x है, ये 2x है, माइनस 2x प्लस 2 ओवर x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमने इसको भी सिंपल करना है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस, अब उसका माइनस 2 बाहर निकाल लिया, ये 2 और 2 यहां बच गया, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये देखें, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। अब हम करेंगे लेट y इक्वल x माइनस 1 ओवर x। अब हमने ये स्क्वायर बनाना है, इसमें से हमने ये बनाना है, तो हम करेंगे इसका लेंगे y स्क्वायर इक्वल x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इसका स्क्वायर खोलना है, इक्वल a स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, अब माइनस 2ab, x x कट हो जाएगा, अकेला माइनस 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 2 किसका है, नेगेटिव का, इधर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2, यानी कि ये हमारे पास x आ गया ये, और इसकी वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस 2 आ गया। अब हमें क्या करते हैं, पुट द वैल्यूज, अब देखें इसकी जगह क्या आएगा, ये चीज है y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, ये किसके इक्वल है, y इक्वल टू, और साथ क्या है इसके, माइनस 2 इक्वल टू 0, माइनस 2 प्लस 2 कट, y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, तो हमारे पास अब क्या बच गया, अकेला y स्क्वायर
वाई स्क्वायर और माइनस टू वाई, वाई इसमें कॉमन है, वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल जीरो, वाई माइनस टू, दो फैक्टर हैं, दोनों इक्वलिटी जीरो में आ गई है। अब वाई की क्या वैल्यू थी हमारे पास, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, पुट एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई, तो एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको दो एक दफा इसमें क्या है, वाई माइनस, सॉरी वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, इसका हमने एलसीएम लिया, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल जीरो, एक्स इंटू जीरो जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर और इसका अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस वन आ जाएगा, वन का अंडर रूट ले तो वन ही रहता है, तो ये इससे कट, एक्स इक्वल प्लस माइनस वन। अब दूसरा क्या हमारे पास, वाई माइनस टू है इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू टू, पुट क्या करना है, यही एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल टू टू, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब इस कैसे मल्टीप्लाई, ये आ गया ओवर एक्स इक्वल टू टू, यानी इन दोनों का एलसीएम, एक्स स्क्वायर आ गया माइनस वन, नीचे एक्स है, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इसका हमारे पास फैक्टर नहीं बनते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये ए हमारे पास वन है, बी इक्वल माइनस टू है, सी इक्वल माइनस वन है, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे क्या है इसके टू ए, एक्स इक्वल बी क्या है टू है, वैल्यू क्या है माइनस टू है, माइनस ये माइनस ये हमारे पास टू हो गया। प्लस माइनस ये है बी स्क्वायर, टू का स्क्वायर ये हो गया फोर, माइनस फोर ए वन है, सी के अगेन माइनस वन है, नीचे क्या है टू है, ए की वैल्यू वन है तो वन हो गया, ये बन गया टू प्लस माइनस फोर, ये माइनस माइनस प्लस, फोर प्लस फोर, नीचे क्या आ गया टू, एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल प्लस माइनस एट अंडर रूट अपॉन टू। अब एट का अंडर रूट फोर टू जार एट, फोर टू जार एट, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू, फोर टू जार एट, अब देखिए फोर टू जार फोर टू जार एट, फोर का अंडर रूट क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, जबकि टू उसके साथ रहेगा, अब मैं इसको टू अंडर रूट ये लिख सकता हूं। अब ये भी टू कॉमन है, ये भी टू कॉमन है, ये कट हो जाएगा तो एक्स बन जाएगा, चले अब मैं इसको ना यहां कर रहा हूं जगह कम है, तो एक्स इक्वल इसको यहां इसके इसका नीचे यहां से है, एक्स इक्वल टू कॉमन वन प्लस माइनस टू अंडर रूट, नीचे इसके टू, टू टू से कट, एक्स इक्वल वन प्लस माइनस टू अंडर रूट, सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास ये आ जाएगा प्लस माइनस वन एंड वन प्लस माइनस टू अंडर रूट।